नमस्कार, मैं पुनीत जैन टिंकरली इलेशन एटेक प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम बात करेंगे अटल टिंकरिंग लैब के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिसंबर में अटल टिंकरिंग लैब ने एक नई सूची जारी करी है, जिसमें उन्होंने देश भर में 6038 स्कूलों को सेलेक्ट करा है, इनका रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य करा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमको प्रॉपर और एकदम सही डॉक्यूमेंटेशन स्कूल को करना चाहिए, जिससे कि एक बार में स्कूल अप्रूव्ड हो जाए और उसको फंड जल्द से जल्द मिले, ताकि वो अपने स्कूल में, अपने विद्यालय परिसर में अटल टिंकरिंग लैब लगा सके। तो आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे करा जा सकता है सही। उसके लिए सबसे पहले हमको अटल इनोवेशन मिशन की जो उन्होंने लिंक दे रखा है, उस पर हमको जाना होगा, जो कि है aim.aim.gov.in/atl_document_6038। ये पूरा का पूरा लिंक है, ये आप याद भी रख सकते हैं या आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले क्या क्या दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। सेकंड, हमारे पास लेटर ऑफ स्पेस कन्फर्मेशन, या इसको हम लेटर ऑफ डिक्लेरेशन या लेटर ऑफ प्रिंसिपल कह सकते हैं। इसके अंदर ये लेटर आपको AIIM की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उससे वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको आपके अपने विद्यालय के लेटर हेड पर इसका प्रिंट देना होगा। इस लेटर का मतलब होता है कि आप नीति आयोग को ये सूचना दे रहे हैं, ये नीति आयोग को एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे पास निर्धारित पर्याप्त स्पेस यानी कि 1500 स्क्वायर फीट एरिया हमारे विद्यालय में उपलब्ध है, जो कि हम इस लैब को टोटली डेडिकेटेड करेंगे। मतलब हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब के लिए 1500 स्क्वायर फीट एरिया है। तो आपके पास लेटर ऑफ स्पेस कन्फर्मेशन लेटर हेड पर होना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल द्वारा साइन एंड सील्ड होना चाहिए। फिर आपके पास आपके बैंक की पासबुक होनी चाहिए। जैसा कि इसके गाइडलाइंस में है कि अटल टिंकरिंग लैब के लिए आपको एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, जिसमें आप सिर्फ अटल टिंकरिंग लैब संबंधित ट्रांजेक्शन्स करेंगे। बैंक अकाउंट कैसा होना चाहिए, ये पूरी डिटेल आपको AIIM की वेबसाइट पर उपलब्ध है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरणतः अपने आपके स्कूल का नाम है ABC पब्लिक स्कूल, तो बैंक अकाउंट खुलना चाहिए आपका ABC पब्लिक स्कूल -ATL ग्रांट, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि ये बैंक अकाउंट सिर्फ ATL से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या सिर्फ ATL के लिए ही खोला गया है। तो उस बैंक की पासबुक आपको तैयार करनी है PDF फॉर्मेट में स्कैन कर, जो कि आप उस समय डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं हम MOA की। आपको मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट तैयार करना होगा। आप अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना है और इसके प्रत्येक पेज पर प्रिंसिपल द्वारा साइन होगा और सील होगा, और इसको आपको PDF फॉर्म में स्कैन करके तैयार रखना है, ताकि जब आप डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया करें आप इसको आसानी से अपलोड कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं लैब लेआउट। आप लैब स्पेस कन्फर्मेशन देते हैं, उसके बाद हमको लैब का एक लेआउट देना होता है, लैब का एक डायग्राम बनाना होता है, जिसके अंदर हमको बताना होता है कि हमने पूरे डायग्राम में कि हमारा 1500 स्क्वायर फीट एरिया की लैब इस तरीके की है, जिसमें हमारे इतने द्वार यानी गेट हैं, इतनी विंडोज यानी खिड़कियां हैं, इस तरीके से इस तल पे यानी इस फ्लोर पे हमारी लैब है, और उसका पूरा हमको डायग्राम देना होता है। तो हमको लैब का एक लेआउट इसमें अपलोड करना होता है, तो आप उसका भी सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्मेट में उसको तैयार रखें। फिर होता है बॉन्ड फॉर्म। ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए होता है, गवर्नमेंट स्कूलों को बॉन्ड फॉर्म नहीं भरना होता है। प्राइवेट स्कूलों को बॉन्ड फॉर्म ये अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रथम पेज मिनिमम 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, 10 रुपए या उससे ज्यादा, आप 20 का भी या 50 का भी स्टैम्प पेपर ले सकते हैं, बट मिनिमम 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आपको उसका पहला पेज लेना होगा। तो इस तरीके से प्राइवेट स्कूल को बॉन्ड फॉर्म डाउनलोड करना होता है, और ये प्रिंसिपल द्वारा साइन एंड सील होता है, या फिर हेड ऑफ द स्कूल द्वारा साइन एंड सील होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने से पहले आपको सारे तैयार रखने होंगे, PDF फाइल में कन्वर्ट करके तैयार रखने होंगे, ताकि आप जब डॉक्यूमेंटेशन करें तब आप आसानी से इनको अपलोड कर सके और आपका डॉक्यूमेंटेशन एक बार में एकदम सफल तरीके से पूरा हो जाए। अब हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। जैसा मैंने आपको बताया, इसके लिए सबसे पहले आप अटल इनोवेशन मिशन की इसका जो लिंक है, इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, जो कि है AIIM APP2
atal.gov.in/atl_documents_6038 यानी 6038। तो इसमें वो सारे स्कूल्स के लिए आपको लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल डालने हैं जो 6038 स्कूल में सेलेक्ट हुआ है। अगर हमारा स्कूल 6038 में है तो हमको ये पूरा का पूरा लिंक डालना है। जैसे ही आप ये डालेंगे आपका होम पेज आ जाएगा जिसमें आपको अब आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी लॉगिन आईडी और सारी चीजें डालनी। जैसा सबसे पहले इसमें आपको आपका यूडाइस कोड डालना होगा, उसके बाद आपको अपना स्कूल का ईमेल आईडी डालना होगा, फिर उसके बाद आपको आपका एटीएल यूनिक कोड डालना होगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन में आपके नीति आयोग द्वारा बताया गया आपका एटीएल यूनिक कोड आपको उसको डालना होगा, और फिर आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज की बात करूं मैं, इसके अंदर आपको स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। सबसे पहले इस बात करूं इसमें आपको आपके स्कूल का यूनिक कोड यानी कि एटीएल कोड डालना होगा जो कि आपको इस लिस्ट में आपको नीति आयोग द्वारा दिया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको स्कूल का यूडाइस कोड डालना होगा। थर्ड नंबर पे आपको आपके स्कूल का नाम डालना होगा, पूरा नाम जो कि आपका एटीएल लिस्ट में जिस नाम से आपका सिलेक्शन हुआ है जो कि आपने पूरा भरा होगा। तो आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको स्कूल का अपना पूरा नाम डालना होगा। फोर्थ में आपको स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है सारी, जिसके अंदर आपको ऑफिशियल स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर डालना है जो कि आपका स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भी भरा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके अंदर हमको प्रिंसिपल का पूरा नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक दो, ईमेल एड्रेस प्रिंसिपल का, और उसके बाद प्रिंसिपल्स आधार नंबर, ये हमको डिटेल्स इसमें डालनी होगी। इसके बाद हमको जो आपने स्कूल के लिए एटीएल इंचार्ज नॉमिनेट करा है उनकी डिटेल्स डालनी होगी। इसमें एटीएल इंचार्ज का पूरा नाम, उनका मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, उनका ईमेल आईडी और उनका आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होगी। और उसके बाद नीचे आप ऑप्शन देखेंगे सेव का, आपको सेव पे क्लिक करना है ताकि आप इसके सेकंड पृष्ठ पे पहुंच जाए। सेकंड पेज पे आप देखेंगे आपको पीएफएमएस की डिटेल्स डालनी होगी। पीएफएमएस की डिटेल्स मतलब आपने जो बैंक अकाउंट खुलाया है अटल टिंकरिंग लैब के लिए अलग से, उस बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स आपको डालनी होगी, जिसमें आपको सबसे पहले बैंक नेम, जो भी जिस भी बैंक ने बैंक में आपने अपना अकाउंट खुलवाया है अटल टिंकरिंग लैब का, उसका बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। उसके बाद बैंक आईएफएससी कोड, आपको बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है जो अकाउंट नंबर आपका है। उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम डालना है जो कि प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द स्कूल होते हैं तो आपको उनका नाम डालना है। और उसके बाद आपको बैंक की पासबुक का पहला पेज यानी बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज पेजेस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये करने के बाद आपको अगेन आप नीचे दो ऑप्शन देखेंगे सेव एंड बैक, आपको सेव करना है जिससे अपन नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचे। अगले पेज पे आप देखेंगे इसके अंदर अब हमारे को रिक्वायर्ड फॉर्म, जो रिक्वायर्ड फॉर्म अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा मांगे गए अब हमको वो सारे अपलोड करने हैं। अब अगले पेज पे हम देखते हैं स्पेस कन्फर्मेशन, स्पेस कन्फर्मेशन लेटर या फिर लेटर ऑफ डिक्लेरेशन या प्रिंसिपल लेटर हम कह लें। जैसे ही आप उस लेटर को ब्राउज करके अपलोड करेंगे उसके बाद हमको अगेन सेव पे क्लिक करना है ताकि हम नेक्स्ट पेज पे बढ़े। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे अगेन स्पेस कन्फर्मेशन। अब हमको हमारे लैब का जो हमने एरिया दिया उसका पूरा डायग्राम या आप लैब लेआउट कह सकते हैं उसको, वो अपलोड करना है। आप उसको बनाकर सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ फॉर्म में आप उसको फाइल को रख सकते हैं और उसको आप इस पे अब लैब लेआउट में आपको अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद आपको एमओए अपलोड करना है जो कि आप अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको हर पेज प्रिंसिपल द्वारा साइन एंड सील्ड होना चाहिए, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होगा। जैसे ही आपने सेव पे क्लिक करा नेक्स्ट पेज में हमको दिखा पैन डिटेल्स। अब हमको हमारी पैन डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे एजेंसी टाइप, एजेंसी टाइप में हमारा स्कूल कैसा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल, उस अकॉर्डिंग हमको एजेंसी टाइप सेलेक्ट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारे स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर हमको डालना होगा यानी एफिलिएशन नंबर, अगर सीबीएसई से हमारा एफिलेटेड है तो उसका नंबर, स्टेट बोर्ड से है तो उसका नंबर, हमको इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
हमारा स्कूल की रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो हमको इसके अंदर डालनी होगी। स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस स्टेट में हमारा स्कूल है, हमको वो डालना होगा। इसके बाद प्रिंसिपल्स आधार नंबर, हमारे को हमारे प्रिंसिपल के आधार नंबर डालने होंगे। प्रिंसिपल्स मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक्ड होने चाहिए, हमको वो डालना होगा। फिर सबसे एक क्वेश्चन आप देखेंगे, इफ एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स से अपना स्कूल एग्जाम दें तो यस, अदरवाइज नो। तो हमको इसमें यस पे क्लिक करना है, अगर हमारा स्कूल इनकम टैक्स से एग्जाम है तो हमको यस पे क्लिक करना है। और उसके साथ एक हमको एग्जामिशन फॉर्म भी सबमिट कराना होगा जो कि ये दर्शाएगा कि हम इनकम टैक्स से एग्जाम है। तो अगर आपका स्कूल इनकम टैक्स से एग्जाम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। देन पैन नंबर, हमको स्कूल का, संस्था का, हमारा स्कूल जिस भी संस्था के अंदर आता है, सोसाइटी में आता है, संस्था में आता है, हमको उसका पैन नंबर अब डालना होगा। और उसके बाद हमको पैन कार्ड की कॉपी जो कि हमारे पीडीएफ फॉर्म में हमको पहले ही रखनी होगी, उसको हमको अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से हमको ये सारी डिटेल्स अपलोड करनी है। अब जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इसका लास्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कि है बॉन्ड फॉर्म का। अब हमको बॉन्ड फॉर्म अपलोड करना है। बॉन्ड फॉर्म सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए है, सरकारी स्कूलों को बॉन्ड फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को ही बॉन्ड फॉर्म भरना है। बॉन्ड फॉर्म आप अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पहला पेज कम से कम 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर या उससे ज्यादा के स्टैम्प पेपर पर आपको प्रिंट कराना है। सारे पेजेस प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल द्वारा साइन एंड सील्ड होने चाहिए। इस तरीके से आपको बॉन्ड फॉर्म तैयार करना है, उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है और फाइनल, अब आप नीचे देखेंगे फाइनल सबमिट, अब आपको अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट से पहले ये ध्यान रखिएगा आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दिए है ना, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिशन आपने कर दिया तो आपका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो जाता है जो कि नीति आयोग के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप जब भी अटल टिंकरिंग लैब का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने बैठें, ये सारी चीजें अपने पास तैयार रखें सॉफ्ट कॉपी में, ताकि आप इसको आसानी से अपलोड कर सकें और एक सफल और सही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा कर सकें। थैंक यू।